ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर का पहला पार्टी सॉन्ग रिलीज हो गया है। शेर खुल गए टाइटल के साथ ये गाना एक इंजॉयबल पार्टी ट्रैक है। ये ग्रूवी है और आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देगा। इस महीने की शुरुआत में एक्शन से भरपूर फाइटर टीजर के साथ फैंस का एंटरटेनमेंट करने के बाद मेकर्स ने पहले गाने शेर खुल गए के साथ ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर स्टारर फाइटर की म्यूजिक जर्नी भी शुरू कर दी है। फाइटर के पहले गाने में परफेक्ट पार्टी मूड है, जिसमें ऋतिक रोशन कुछ इनक्रेडिबल डांस मूव्स करते दिखाई दे रहे हैं। गाने में उन्हें, दीपिका पादुकोण और कुछ अन्य एक्टर्स को एक पार्टी में दिखाया गया है। फाइटर के इस अट्रैक्टिव पार्टी डांस नंबर में ऋतिक ने अपनी कूल मूव्स और दीपिका ने अपनी हॉटनेस और दोनों के डांस ने फ्लोर पर आग लगा दी है। और इस गाने को सुनने के बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप खुद को इसका हुक स्टेप करने से रोक सकें। ऋतिक के स्टेप्स और उनकी हॉटनेस देखकर उनके फैंस क्या, मैं भी एक बार और उनकी फैन हो गई हूँ। ऋतिक अपने डांस से गाने में जान डाल रहे हैं और विशाल की आवाज़ हमेशा की तरह लाजवाब है। वहीं दीपिका और ऋतिक की केमिस्ट्री भी शानदार और लाजवाब नज़र आ रही है। लेकिन मुझे तो लगता है जब ऋतिक डांस करते हैं तो आप अपनी नज़र उनसे हटा ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ डांस कर रहे हों। और मैं तो ये भी कहूँगी कि ऋतिक प्लस दीपिका इज इक्वल्स टू एक एक्शन ब्लास्ट पैकेज। गाने के मेकर्स की बात करें तो बैनी दयाल, शिल्पा राव और संगीतकार विशाल और शेखर द्वारा गाए गए इस गाने में पूरी कास्ट शामिल है। इसके बोल कुमार के हैं और ये उन गानों में से एक है जिन्हें आप अपने आसपास होने वाली पार्टियों में अब पूरे साल ही सुनने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय भी हैं। ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तंबाकू कंपनियों के लिए ऐड करने को लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अक्षय, शाहरुख और अजय को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मई 2024 को तय की है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने मूल रूप से तर्क दिया था कि उन स्टार्स और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च प्रोफाइल पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन वो गुटखा कंपनियों के लिए अभी भी विज्ञापन कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 22 अक्टूबर को सरकार को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SP पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र ने शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ये भी जानकारी दी जा रही है कि एक्टर अमिताभ बच्चन ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाए जाने पर संबंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने ये जानकारी दी। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के स्टार शाहरुख खान के फैंस सिनेमा हॉल में धमाल मचाने के इंतजार में खड़े हैं। मेकर्स ने अनोखे प्रमोशनल कैंपेन में डंकी की झलकियां शेयर करते हुए फिल्म के लिए एक मज़ेदार माहौल बना दिया है। शाहरुख जितने दमदार कलाकार और सुपरस्टार हैं, उनका मार्केटिंग गेम भी उतना ही असरदार है। डंकी से जो भी नया मटेरियल सामने आ रहा है, उसे फैंस के नाम एक पार्सल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए उसे नाम दिया गया है ड्रॉप। फिल्म से पहला ड्रॉप टीजर की शक्ल में आया था और हाल ही में 5वां ड्रॉप सामने आया है। इस बार मेकर्स ने डंकी का नया गाना शेयर किया है। ओ माही टाइटल वाले इस गाने में अरिजीत सिंह की आवाज़ और शाहरुख खान, तापसी पन्नू रोमांस नज़र करते आ रहे हैं। रेगिस्तान में चलते कारवां का हिस्सा बने दिख रहे शाहरुख और तापसी का ये वीडियो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसी वीडियो में नीचे की तरफ आपको एक अनोखा डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा।
कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है प्रोमो वर्जन, फिल्म में एक दूसरा वर्जन है। यानी इस वीडियो में ओ माही गाना जिस तरह दिख रहा है फिल्म में उससे अलग वर्जन दिखेगा। बात तो बड़ी आम सी है, अक्सर ऐसा होता है कि रिलीज से पहले फिल्म के गाने जिस तरह दिख रहे होते हैं फिल्म में उससे अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है आपने एक गाने का पूरा वीडियो YouTube पर देखा हो लेकिन फिल्म में वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, तो फिर इस अलग से डिस्क्लेमर की आखिर ज़रूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब शाहरुख खान के ही फैंडम में छुपा है। 2016 में शाहरुख की एक फिल्म फैन थिएटर्स में रिलीज हुई थी। कहानी में शाहरुख ने एक सुपरस्टार और उसके तगड़े फैन का डबल रोल निभाया था। फिल्म का एक गाना जबरा फैन प्रमोशन के समय ज़बरदस्त हिट हुआ था, लेकिन थिएटर्स में जब जनता फिल्म देखने पहुंची तो ये गाना फिल्म में था ही नहीं। मेकर्स ने जबरा फैन गाना प्रमोशन के लिए ही इस्तेमाल किया था। इस बात से खफा एक दर्शक ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी। उनका कहना था कि उनके बच्चे इस गाने के बड़े फैन हैं और जब फिल्म में गाना नहीं था तो घर जाकर बच्चों ने खाना नहीं खाया और इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुनवाई नहीं हुई तो मामला आगे पहुंचा और स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया कि मेकर्स की तरफ से दर्शक को 10,000 रुपये मुआवजा और इस शिकायत में खर्च हुए 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ये पूरा केस शाहरुख के अल्टीमेट फैंडम की तरह ही देखा जाता है, जहां अपने फेवरेट एक्टर का गाना फिल्म में ना होने से फैन का दिल टूट गया। डंकी भी इन्हीं शाहरुख खान की फिल्म है जिन्हें बिना शक भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। ऐसे में फिल्म के अंदर ओ माही गाना ना देखकर किसी फैन का दिल ना टूटे, इसलिए अब मेकर्स पहले से ही इस डिस्क्लेमर के साथ चल रहे हैं। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल काफी चर्चा में आ रहे हैं। उन्होंने बड़े ही अनोखे तरीके से और विवादित तरीके से अपना जन्मदिन मनाया है। बीते दिन 10 दिसंबर को विद्युत जामवाल ने हिमालय के जंगलों में न्यूड होकर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एक्टर की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे, जहां इन फोटोज के लिए विद्युत को उनकी बोल्डनेस और हिम्मत के लिए वाहवाही मिली, वहीं एक टीवी एक्टर ने विद्युत को ट्रोल भी किया है। टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने विद्युत जामवाल के इस हरकत को खूब खरी खोटी सुनाई है। विद्युत जामवाल की फोटोज पर रिएक्शन देते हुए अभिनव शुक्ला ने उनकी आलोचना की है। दरअसल वायरल फोटोज में विद्युत एक तस्वीर में बिना कपड़ों के नदी में डुबकी लगा रहे हैं, एक में पेड़ के पास बैठकर आग जलाकर खाना बना रहे हैं और ऐसे में अभिनव शुक्ला को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने एक हरे भरे पेड़ के बगल में आग लगाने के लिए विद्युत को ट्रोल किया है। एक्स पर विद्युत की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनव ने अभिनेता की आलोचना की और कहा, प्रकृति से जुड़ना अच्छा है, क्या खाना और पहनना पूरी तरह से एक पर्सनल पसंद है, लेकिन किसी जीवित पेड़ के बगल में आग लगाना, उसे जलाना प्रकृति के अनुकूल नहीं है और कैंपिंग बाहरी नैतिकता के खिलाफ है। वह पत्थर का स्टोव बहुत अप्रभावी दिखता है। यदि आपके पास 6-7 दिनों की विलासिता होती तो डकोटा की आग बहुत अच्छी होती। मुझे लगता है # बुशक्राफ्ट के स्कूलों में ये पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन विद्युत ने अभी तक इस कमेंट का जवाब अभिनव को नहीं दिया है। क्या आप ऋषभ शेट्टी के साथ कंतारा में काम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यही सुनहरा मौका है। खुद ऋषभ शेट्टी अपनी इस फिल्म के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं और खास बात यह है कि ये ओपन ऑडिशंस हैं जिसमें देश के किसी भी कोने से कोई भी हिस्सा ले सकता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले है ही। तब तो ऋषभ शेट्टी के साथ कंतारा चैप्टर 1 में आपका आने का मौका पक्का समझिए। साल 2022 में आई फिल्म कंतारा की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद ऋषभ शेट्टी अब कंतारा चैप्टर 1 बना रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया था जिसे देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। तभी से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ट्रेलर से पहले ऋषभ शेट्टी फिल्म में आम लोगों के काम करने का शानदार मौका लेकर आए हैं। उन्होंने कंतारा चैप्टर 1 के लिए ओपन ऑडिशन अनाउंस किए हैं और साथ ही अप्लाई करने का तरीका भी बताया है। ऋषभ शेट्टी ने एक्स पर ऑडिशंस की जानकारी शेयर की और बताया कि ये ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्ट हुए लोगों को फिर उनके साथ ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। शेयर किए गए पैम्फलेट में लिखा है, सभी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए ये है बड़ा मौका, कंतारा की कास्ट से जुड़िए, आज ही अप्लाई करिए। kantara.film की वेबसाइट पर जाइए और अपना प्रोफाइल अपलोड कीजिए। पैम्फलेट के अनुसार पुरुषों की उम्र 30 से 60 साल के बीच और महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल
साल के बीच होनी चाहिए। वो न्यू कमर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनमें एक्टिंग के प्रति पैशन और जुनून है। ऋषभ शेट्टी के इस पोस्ट पर लोगों को खूब रिएक्शन दे रहे हैं। हर कोई अपना अपना नाम देकर ऑडिशंस के लिए जाने की अपील कर रहा है। वहीं कंतारा चैप्टर 1 2024 में रिलीज होने की उम्मीद है और फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसमें एक्टिंग करने के साथ ही ऋषभ शेट्टी डायरेक्ट भी करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल के एक्शन सीन्स को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। रणबीर कपूर के खूंखार लुक ने लोगों के दिलों को जीत लिया है, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक अनोखा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक फिल्म में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच एक किसिंग सीन है। इस जानकारी के सामने आने के बाद एनिमल को लेकर उत्साह और भी बढ़ने वाला है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म एनिमल से दिलों और बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले बॉबी देओल और रणबीर कपूर का भी फिल्म में किसिंग सीन है, लेकिन इसे संदीप रेड्डी वांगा ने थिएटर रिलीज से हटा दिया था। अब ताज़ा अपडेट ये है कि डिलीट किया गया किसिंग सीन OTT वर्जन का हिस्सा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में बॉबी ने खुलासा किया कि ये दो भाई हैं और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। मैं क्लाइमेक्स सीक्वेंस को शूट करने जा रहा हूँ और सीन के दौरान बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है जो प्यार के बारे में है। आगे कहते हुए बॉबी ने खुलासा किया कि उनका रणबीर कपूर के साथ एक किसिंग सीन है, लेकिन थिएटर रिलीज में इसे काट दिया गया और ये नेटफ्लिक्स रिलीज का हिस्सा हो सकता है। संदीप रेड्डी वांगा ने किसिंग सीन कैसे सुनाया इसे शेयर करते हुए बॉबी कहते हैं कि उन्होंने बोला, आप लड़ रहे हैं और आप अचानक उसे किस कर लेते हैं और फिर आप हार नहीं मानते और वो आपको मार देता है, लेकिन इस किस को थिएटर के लिए हटा दिया गया और मुझे लगता है कि ये किस का सीन अनकट नेटफ्लिक्स वर्जन पर आ सकता है। खैर, इस जानकारी ने प्रशंसकों को एक्साइटेड तो कर ही दिया है और कथित तौर पर एनिमल अगले महीने जनवरी में 14 या 15 जनवरी को OTT पर रिलीज़ हो सकती है, जो कि एक हॉलीडे रिलीज़ होगी। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त तहलका मचा रही है और इसने दुनिया भर में 800 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है और गदर 2 समेत और कई बड़ी मूवीज़ जैसे पठान और जवान को पछाड़ दिया है। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार श्रेयस तलपड़े को गुरुवार बीती शाम हार्ट अटैक आया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। 47 साल के श्रेयस को यूं हार्ट अटैक आने की खबर ने बॉलीवुड के सभी फैंस को परेशान कर दिया है। देर रात सामने आई इस खबर के बाद से उनके शुभचिंतक लगातार उन्हें लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और परिवार की तरफ से उनकी सेहत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। श्रेयस तलपड़े इन दिनों वेलकम 3 की शूटिंग कर रहे हैं। श्रेयस कल सुबह ही इस फिल्म की शूटिंग के लिए घर से निकले थे। इसके बाद दिन भर श्रेयस ने फिल्म की शूटिंग की और इस दौरान लगातार शॉट्स दिए। हमेशा की तरह वो शूटिंग खत्म करके शाम को घर वापस लौटे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी तबीयत कुछ ठीक ना होने का इशारा दिया। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो पत्नी दीप्ति उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान श्रेयस गिर पड़े। ऐसे में उनकी पत्नी काफ़ी घबरा गई और श्रेयस को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। इसके बाद श्रेयस की एंजियोप्लास्टी की गई, जिसके बाद से वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बता दें कि फिल्म वेलकम 3 में श्रेयस अहम रोल निभा रहे हैं। वे फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लेवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर आदि के साथ नजर आएंगे। श्रेयस को अटैक आने की खबर के बाद से ही फिल्म की पूरी कास्ट उन्हें लेकर परेशान हो गई है। अस्पताल ने इस खबर की पुष्टि की है कि उन्हें देर शाम लाया गया था, उनके स्वास्थ्य अपडेट का इंतजार है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खबर पर रिएक्शन दिया और अपने फेवरेट एक्टर के लिए दुआएं मांगी। मनोरंजन की दुनिया से लगातार दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। दिनेश फडणीस और जूनियर महमूद की मौत के सदमे से अभी हम उभरे ही नहीं थे कि गुरुवार को श्रेयस तलपड़े की हार्ट अटैक आने की खबर भी सामने आ गई। हालांकि उनकी तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इसी बीच ब्राज़ील में एक सिंगर की लाइव इवेंट में मौत होने की खबर भी सामने आई है।
30 साल के गॉस्पल सिंगर पेड्रो हेनरिक ब्राजील में एक धार्मिक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे थे, तभी गाते हुए वो अचानक स्टेज पर गिर पड़े। बाद में उनकी मौत हो गई। ये पूरा वाक्या एक वीडियो में कैद हुआ है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एंड वोकनेस ने इस घटना का चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें पेड्रो हेनरिक स्टेज के किनारे खड़े हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वो सामने बैठे मौजूद दर्शकों को मस्ती के साथ गाना सुना रहे हैं, लेकिन तभी गाते गाते उन्होंने एक लंबा नोट लिया और फिर अचानक वो रुक गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड्रो का बैलेंस बिगड़ गया और वो स्टेज पर ही गिरकर बेहोश हो गए। जब उनको आनंद फानन में नज़दीकी क्लिनिक ले जाया गया तो वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर के दोस्त ने बताया कि शो से पहले पेड्रो हेनरिक काफ़ी थके हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि सिंगर को काफ़ी तेज सीने में दर्द हुआ था, जो असल में हार्ट अटैक था। पेड्रो एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और यारों के यार थे। ऐसे में उनके फैन से लेकर परिजन तक सभी दोस्त गहरे सदमे में हैं। पेड्रो हेनरिक के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में बीवी सुइलान बेरेटो और छोटी सी बेटी जोई हैं। पेड्रो की बेटी इसी साल 19 अक्टूबर को पैदा हुई थी। आपको बता दें कि महज 3 साल की उम्र में सिंगिंग करियर शुरू करने वाले पेड्रो हेनरिक ने 2015 में अपनी यूट्यूब जर्नी को शुरू किया था।